हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज 14 जनवरी 2023 FCI AG3 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसमें पूछे गए GK GS के हम लोग को मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लें रीजनिंग में, तो सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग 5 क्वेश्चन, पजल से 5 क्वेश्चन, इनक्वालिटी से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, और अल्फाबेट नंबर सीरीज से लगभग 2 क्वेश्चन, और नंबर फार्मूला इस सबके 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से। रीजनिंग में बात कर लें, आपको बताएं हम इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखिए क्या आ रहा है। RC से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ईरर 5 से 6 आ रहा है, और फिलर सबके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 5 क्वेश्चन लगभग, ये सब आप लोग करके जाएगा। मैथ में बात कर ले हम लोग, तो सिंप्लीफिकेशन से स्टूडेंट ने बताया 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं। मिसिंग सीरीज से 5 क्वेश्चन लगभग आ रहा है। डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सब आप लोग करके जाइएगा। आइए हम लोग GK GS के प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2023 के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डन बूट अवार्ड फ्रांस के किलियन एम्बाम्पे को दिया गया है गोल्डन बूट अवार्ड। कहाँ के निवासी हैं, वो फ्रांस के हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम का सीमा किस देश के साथ लगता है। देखिए असम का जो सीमा है वो भारत के किस देश के साथ लगता है। तो देखिए भारत भूटान तथा भारत बांग्लादेश सीमा कुछ भागों में असम से जुड़ा है, मतलब भूटान भी जुड़ा हुआ है और बांग्लादेश भी कुछ भागों में असम से जुड़ा हुआ है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा एवं पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1857 के समय विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, 1857 के विद्रोह के समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर चार्ल्स जॉन कैनिंग है। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल 1856 जिसका कार्यकाल 1856-1860 थे, वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEFT का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो NEFT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर क्या हो जाएगा, NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। कोयला का म्यूजियम कहाँ बना है, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। कोयला का म्यूजियम कहाँ बना या कौन सा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि क्या पूछा गया था राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में गर्भवती महिला को कितने पैसा मिलते हैं, कौन सी योजना से क्वेश्चन था। तो ये योजना क्या कहलाता है, केंद्र सरकार की मातृत्व वंदना योजना, ये योजना पूछा गया था। तो मातृत्व वंदना योजना के तहत इसी साल से 6,000 रुपये देने की व्यवस्था शुरू की गई है, यानी अब गर्भवती महिला को केंद्र और राज्य सरकार की इन योजनाओं से कुछ 7400 रुपये मिल पाएंगे, मातृत्व योजना से कुछ 7400 रुपये मिल पाएंगे, ठीक है। और आपको हम बता दिए मैथ और रीजनिंग से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग बता ही दिए। मैथ में आपको सिंप्लीफिकेशन कर लेना, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद मिसिंग सीरीज क्वेश्चन कर लेना है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, पजल के 5 क्वेश्चन, इनक्वालिटी के 2 क्वेश्चन, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, अल्फाबेट नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, उसके बाद नंबर फॉर्मेशन टाइप से 1 क्वेश्चन, इंग्लिश में RC से 5-6 क्वेश्चन, ईरर 5-6 क्वेश्चन, RC में आपको साइन इनटू मिला के पूछा जा रहा है, फिलर से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब आपका पेपर पूछा जा रहा है। यदि आगे आपका इस शिफ्ट का यदि आप पेपर देख के आ रहे हो, इससे अतिरिक्त आपको GK GS से कोई प्रश्न और याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हम लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिनका आगे एग्ज़ाम है, जो सब चैप्टर बताया वो सब चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। तो एक लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।